Hi everyone, this is Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So income tax season is on. I hope आप सब लोगों ने अपनी अपनी रिटर्न फाइल कर दी होगी. वेल, मेरी ये होप थोड़ी सी गलत है. रीजन बीइंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा तो कुछ और ही बोल रहा है. एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी तक बहुत करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है. सो जितना जल्दी हो सके, टाइम रहते अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, बिकॉज इस बार डेडलाइन एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं. वेल, एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स क्विकली जंप टू अ टॉपिक. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं. आज का टॉपिक है इनकम टैक्स के अंदर जब आप ITR फाइल करने जाते हैं और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आती है तो आप वहाँ पे चलान पे करते हैं, और चलान पे करने के बाद अगर आपसे वो चलान मिस हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको चलान दोबारा कैसे डाउनलोड करना है, आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे. तो सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर करने वाली हूँ. 26 ईयर्स में कैसे देखना है, चलान को डाउनलोड कैसे करना है, सब इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करने वाली हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई नो आप बोलेंगे कि मैं हर टॉपिक को ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलती हूँ. वेल, कहते हैं ना कि जब किसी को प्यार हो जाता है तो वो उसको हर वो चीज़ उसकी अच्छी लगने लग जाती है. सो ऐसे इनकम टैक्स हम लोगों का प्यार है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड हर बात हमें इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है. तो चलिए एनीवेज, जो का पार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. छोटा सा हम लोगों का टारगेट है 15,000 सब्सक्राइबर अचीव करने हैं बिफोर 31st August. सपोर्ट करिए जितना हो सके, हमें टारगेट एनी हाउ अचीव करना है. रिग्रेसली हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं. एनीवेज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकम टैक्स में अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई और आपको चलान चाहिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, आज मैं आपको चलान डाउनलोड करना बता दूंगी. ये TDS का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है. अगर आपसे चलान मिसप्लेस हो गया ना, आप इस वीडियो के थ्रू अपना चलान डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इस वीडियो में आज एक ही बैंक का एग्जाम्पल लूँगी, क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं, मैं सबका एग्जाम्पल तो नहीं ले सकती. बट येस, मैं एक बैंक आज पिक कर रही हूँ, आप उसी के थ्रू मेजरली सब में सेम ही प्रोसेस होता है, बस नाम अलग आपको हेड के मिलेंगे. वो कैसे भी आप लोग गूगल सर्च करके नामों उन हेडिंग को ले सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स कम टू द स्क्रीन. मैं एग्जांपल ले रही हूँ आज HDFC नेट बैंकिंग का. आपको HDFC नेट बैंकिंग सर्च करनी है गूगल पे, देन वेलकम टू HDFC नेट बैंकिंग आ चुका है हमारे सामने. यहाँ पे जाके आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करना है. मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल रही हूँ, देन मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रही हूँ. ध्यान रखिए पासवर्ड आपको सही टाइप करना है, अदरवाइज अकाउंट लॉक भी हो सकता है. नाउ आप देखेंगे बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड पे रिक्वेस्ट का टैब है, ठीक है. आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, काफ़ी नीचे. आपको देखेंगे दो ऑप्शन, रीजनरेट डायरेक्ट टैक्स चलान, रीजनरेट इनडायरेक्ट टैक्स चलान. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जो भी पे कर रहे हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इनडायरेक्ट फॉर GST एंड डायरेक्ट फॉर इनकम टैक्स. तो जैसे कि मैंने डायरेक्ट चलान ओपन किया, मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ. काफ़ी बार क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे चलान वो डायरेक्ट टैक्स में ही पोर्टल इसको पिक करता है, या ये ऐप इसको इसमें पिक करती है. तो इसलिए आप एक बार डायरेक्ट टैक्स को सबसे पहले चेक कर ले जब आप चलान डाउनलोड कर रहे हैं. अब आप देख सकते हैं कि रिसेंटली मैंने जितने भी चलान पे करे हैं उनकी डिटेल स्क्रीन पर आ रही है. तो इसके लिए अब आपको जिस भी चलान को आपको डाउनलोड करना है, आपको इस डॉट पर क्लिक करना है, सिन नंबर के नीचे, देन आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है. तो ये आपका चलान हो गया डाउनलोड, कि हमने किस चीज़ के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गए, हमने किस चीज़ के लिए ये चलान पे किया है. सो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था आपको चलान डाउनलोड करने का, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलान आपसे किसी भी वजह से खो सकता है. हो सकता है कि आपने सोचा कि जब मैं ITR फाइल करूंगा तब कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा, इसलिए आपने चलान संभाल के नहीं रखा. हो सकता है जब आप टैक्स पे करने लगे उस टाइम पर कोई इंटरनेट एरर आया, उस वजह से टैक्स तो पे हो गया वो चलान नहीं डाउनलोड हो पाया. दोनों ही सिचुएशन आप चलान यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और इससे भी एक सिंपल सॉल्यूशन, अगर आपको चलान की कॉपी नहीं चाहिए, आप रिटर्न फाइल करने के कुछ दिन बाद जब अपना 26 AS देखेंगे तो वहाँ पर आपको आपका चलान शो करेगा. तो इसलिए आप चलान वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हो, जिसके थ्रू आप ITR फाइल कर सकते हो. कुछ टाइम बाद तो ITR में ऑटोमेटिक वो पिक हो जाता है अगर आप उसको ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो. आई होप आपकी सारी क्वेरीज इसके थ्रू क्लियर हो गई होगी. जहाँ पर मैंने आपको चलान डाउनलोड करना बताया है, बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी इस चीज़ पे आ रही थी कि चलान कैसे डाउनलोड करें, या फिर 26 AS में अभी तक हमारा टैक्स नहीं आया है. तो ये एक समरी वीडियो मैंने आपको दे दी है. स्टिल अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू हेल्प यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.